हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 52, जहां पर हम देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव और पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव क्या होता है। तो मैं कीजिए कि पास्ट कंटीन्यूअस का जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी और रहे थी। और यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना होगा, वॉज वर्ब, और जो मेन वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। लेकिन अगर बात पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव सेंटेंस की जाए तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, जो कि वर्ब के बाद में लिखकर आएगा। अब बात अगर स्ट्रक्चर की जाए तो पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें पैसिव सेंटेंस में क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज या वर्ब का यूज करना होगा। और इसके ठीक बाद क्या लगाना होगा, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय योर सब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर का जो ये पार्ट है ये फिक्स हो जाएगा, ये पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर में ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या कि अब इसमें एग्जांपल कैसे बोले और बनाए जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कहूं कि वह फुटबॉल खेल रहा था, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बताइए, एक्टिव का हो गया। तो अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव का है तो इसे हमें एक्टिव से बनाना होगा, और हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, जो कि यहां पर कौन हो गया, वह। इस वे के अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा, ही, और ही के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या लगाई जाएगी, वॉज। ठीक, इसके बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, आई एन जी फॉर्म, जो कि क्या हो जाएगी, प्लेइंग। तो ही वॉज प्लेइंग, और वो क्या खेल रहा था, फुटबॉल। इसको यहाँ पर और एड कर दीजिए, बन गया हमारा पूरा स्टेटमेंट, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। और फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को मुझे पैसिव करना होता तो मैं आपसे क्या बोलता, उसके द्वारा फुटबॉल खेली जा रही थी। अब अगर सेंटेंस हमारा पैसिव का है तो इसे आपको पैसिव से बनाना होगा, और सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वर्ब क्या थी हमारी, खेलना, और मैंने क्वेश्चन किया क्या खेली जा रही थी, तो आंसर क्या आएगा, फुटबॉल, और यही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या मेंशन करना होगा, फुटबॉल, ऐड कर दीजिए यहां पर फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या होता है, एक नाम ही तो है किसी खेल का नाम, और नाम के साथ हमें क्या लगाना होता है, वॉज। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, वॉज। फिर इसके ठीक बाद हमें यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, बीइंग, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, और बाय के बाद क्या ऐड कर दीजिए, हिम। अब फ्रेंड्स, अगर ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता, यानी मैं आपसे कहता कि क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता, इस वॉज को पहले रखना होता। और सेंटेंस क्या बनता कि वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था। और अगर इसको मुझे पैसिव करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि क्या उसके द्वारा फुटबॉल खेली जा रही थी। अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आपको क्या करना होगा, वॉज को पहले लिखना होगा। तो बस वॉज को पहले लिख दीजिए और सेंटेंस क्या बनेगा, वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा फुटबॉल खेली जा रही थी। और फ्रेंड्स, अगर इसी वॉज के पहले मैं वाई को भी जोड़ दूं और मैं आपसे बोलूं कि वाई वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, तो हिंदी क्या निकलेगी, उसके द्वारा फुटबॉल क्यों खेली जा रही थी। और अगर इसको मैं एक्टिव करूंगा तो एक्टिव सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा कि वह फुटबॉल क्यों खेल रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए हमने वाई को ऐड कर दिया तो इसकी हिंदी बदल चुकी है, उसके द्वारा फुटबॉल क्यों खेली जा रही थी। अब अगर सेंटेंस में डब्ल्यू एच है तो चेंज भी डब्ल्यू एच में ही होने वाला है, कहीं और नहीं हो सकता। अब अगर इसे में मुझे बनाना होगा तो फिर से मुझे यहाँ पर ऐड कर देना वाई, वाई वॉज यू प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल क्यों खेल रहा था। अब फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की बात करते हैं जहां पर आपको इंग्लिश के ही सेंटेंस लेने हैं और आपस में उन्हें चेंज करना है। एक एग्जाम्पल सुनिएगा, सी वॉज इंसल्टिंग मी, वह मेरा अपमान कर रही थी, एंड आई वॉज बींग इंसल्टेड बाय हर, उसके द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा था। दे वर बींग टॉट बाय पापा, पापा के द्वारा उन्हें पढ़ाया जा रहा था, एंड पापा वॉज टीचिंग देम, पापा उन्हें पढ़ा रहे थे। मम्मी वॉज स्कॉल्डिंग मी, मम्मी मुझे डांट रही थी, एंड आई वॉज बींग स्कॉल्डेड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा मुझे डांटा जा रहा था। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।